तो गाइज यार, अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आपको मोटोरोला G51 की तरफ जाना चाहिए या फिर रेडमी नोट 10S परचेज करना चाहिए, गाइज अगर आप कन्फ्यूज हैं, दोनों स्मार्टफोन अलग अलग ब्रांड की तरफ से आते हैं और दोनों स्मार्टफोन अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं दोनों स्मार्टफोन का, लेकिन प्राइस यहाँ पे सेम है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो गाइज चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, गाइज दिस इज मनीष एंड वॉचिंग टेक्नोलॉजी, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस है यहाँ पे 14,999 रुपए है। एक तरफ हमारे पास मोटोरोला G51 और दूसरी तरफ हमारे पास Redmi Note 10S। तो गाइस यहाँ पे जो Motorola 51 के लिए अगर आप 15,000 रुपए देते हैं तो यहाँ पे आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं आप Redmi Note 10S के लिए आप 15,000 रुपए देते हैं तो यहाँ पे आपको 6GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। Motorola G51 में आपको 20W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, साथ में आपको USB2 टाइप सी केबल चार्जिंग के लिए देखने के लिए मिल जाती है, साथ में आपको एक स्मार्टफोन केस देखने के लिए मिल जाता है इसके बॉक्स में। बट यहाँ पे इसके बॉक्स में यहाँ पे आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, USB2 टाइप सी चार्जिंग केबल और साथ में आपको एक स्मार्टफोन केस देखने के लिए मिल जाती है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो गाइस यहां पे जो बॉक्स कंटेंट है आपको इन्हीं दोनों में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। बट यहां पे आपको Motorola G51 में आपको जो चार्जिंग है वो यहां पे थोड़ी कम देखने के लिए मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में गाइस यहां पे हम बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ यहां पे आपको दिया जाता है और साथ में आपको जो यहां पे डुअल मैट फिनिश आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे जो डिजाइन है ये आप पर मैटर करता है कि आपको किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे पर्सनली Redmi Note 10S का डिजाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में गाइस बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में सभी पोर्ट्स एंड बटन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। Motorola G51 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको एक अलग से डेडिकेटेड आपको गूगल असिस्टेंट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे Redmi Note 10S के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको सभी बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आपको अपर की साइड में यहाँ पे आपको एक आर ब्लास्टर देखने के लिए मिल जाता है, साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। डिस्प्ले के बारे में गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे तो Motorola G51 में आपको डिस्प्ले का साइज ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है बिकॉज यहाँ पे 6.8 इंच का फुल HD प्लस आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। बट वहीं पे बात करेंगे Redmi Note 10S के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे स्मूथनेस के बारे में यहाँ पे Motorola G51 का जो डिस्प्ले है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप कलर रिप्रोडक्शन के बारे में गाइस यहाँ पे बात करेंगे, व्यूइंग एंगल के बारे में गाइस यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे Redmi Note 10S का डिस्प्ले यहाँ पे ज्यादा अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी के बारे में गाइस बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में 5000mAh की बिग बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। गाइस बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में तो गाइस यहाँ पे Motorola G51 में आपको एक नया प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि Qualcomm की तरफ से आता है। Qualcomm Snapdragon 480 प्लस प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि यहाँ पे जिसका अंतत्व स्कोर लगभग 3,20,000 के आसपास रहता है और ये एक 5G प्रोसेसर है जो कि 12 बैंड 5G यहाँ पे सपोर्ट करता है। गाइस वहीं बात करेंगे Redmi Note 10S के बारे में तो गाइस यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि जिसका नाम है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। बट गाइस यहाँ पे ये एक 4G प्रोसेसर है और जिसका अंतत्व स्कोर लगभग 3,35,000 के आसपास यहाँ पे इसका अंतत्व स्कोर यहाँ पे रहता है। तो यार दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में गाइस यहाँ पे बात करेंगे तो परफॉर्मेंस आपको दोनों में सेम मिलने वाली है, बस फर्क सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे आपको जो 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है बट यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, दोनों में ही दोनों की परफॉर्मेंस में यही फर्क है। तो यार यहाँ पे आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको 5G फोन चाहिए या फिर 4G फोन चाहिए। IP रेटिंग की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको Motorola G51 में IP52 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, बट वहीं पे यहाँ पे आपको Redmi Note 10S में IP53 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपके स्मार्टफोन को स्पेस और डस्ट प्रूफ बना देती है। और वहीं बात करेंगे OS/UI के बारे में तो गाइस आपको यहाँ पे खुद सोचना चाहिए कि आपको किसका UI ज्यादा पसंद है। आपको MIUI 12.5 पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको दोनों ही स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पे Motorola में आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी एड्स और ब्लॉकवेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे MIUI में वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे थोड़े बहुत एड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और काफी ज्यादा नोटिफिकेशन भी इसके UI में यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं। तो गाइस वही बात करेंगे कैमरास के बारे में तो गाइस यार दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा अच्छा कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा सेटअप में देखने के लिए मिल जाता है जो कि ऐसा Motorola का आता है। बट यहाँ पे बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने के लिए मिलता है। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और डेप्थ सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपके कैमरास को एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने के
लिए मिल जाती है। बट वहीं बात करेंगे Redmi Note 10s के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो Redmi Note 10s का कैमरा है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है Motorola G51 के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम सेम है। बट यहाँ पे अगर बैक कैमरे की बात करेंगे तो Redmi Note 10s ज्यादा आगे। दोनों स्मार्टफोन में आपको सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइज यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2G 3G 4G वोल्टी का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको Motorola G51 में आपको एक प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको 5G का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि 12 बैंड का 5G यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। तो गाइज यहाँ पे आपको सोचने वाली यहाँ पे आप बात ये होगी कि अगर हम कंक्लूजन पर आएँ तो आपको टोटली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका यूज किस चीज़ के लिए, आप किस पर्पज़ से अपना स्मार्टफोन ले रहे हैं। गाइज दोनों इसका ही प्राइस यहाँ पे 15,000 रुपये है, तो प्राइस के मामले में दोनों ही एकदम सेम है। तो यहाँ पे आपको पहले सोचना चाहिए कि आप कितने दिन के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं। गाइज अगर आप 2 से 3 साल के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे Motorola G51 की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 5G का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हाल ही में अगर आप मान लीजिए 1 साल के अंदर अगर इंडिया में 5G आ गया तो आप 5G एक्सेस कर पाएंगे। बट गाइज वहीं पे अगर आप स्मार्टफोन को साल या 1.5 साल चलाना चाहते हैं तो आपको Redmi Note 10s की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, रैम आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे आपको कैमरा भी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइज यार आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ें हैं जिस स्मार्टफोन से पूरी हो रही हैं आप उस स्मार्टफोन को ले सकते हो। तो गाइज यार चलिए इस वीडियो में इतना ही था। गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में मुझे बताइएगा कि ऐसे आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज करने जा रहे हैं तो मुझे बताना जरूरी है। तो गाइज चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।